घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। और अभी अभी जो आपने देखा हारमोनियम पर एक जो मैंने तेज गति में एक अलंकार बजाया है, जिसका मैंने आरोह बजाया, सिर्फ अवरोह नहीं बजाया, तो आज उसी को मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो कि जिस अलंकार से ये पूरा एक पैटर्न है, जिससे कि आपके हाथ में थोड़ी सफाई आएगी और कॉम्प्लिकेटेड चीजें बजाना फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और फंसेगा नहीं हाथ आपका कहीं कहीं जाके, ठीक है। तो वैसे अगर मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दूं, वैसे आप इसे किसी एक अलंकार समझ के भी बजाया जा सकता है इसको, ही बस इसके मैं नोटेशंस आपको दे दूं और आप बजा लेंगे इसे। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, इसे समझें, तो इस चीज को, इस पैटर्न को मेर खंड कहते हैं, या तो खंड मेर या मेर खंड। लगभग आई गेस एक साल पहले ही मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो दिया था, मेर खंड को समझाया था, और वो गायकी के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया था कि इस चीज को अगर आप सिंगिंग में लेते हैं, है ना, तानपुरे पर गाते हुए, या फिर हारमोनियम के साथ भी इसका अभ्यास करो तो भी चलेगा, मगर तानपुरे पर करोगे तो ज्यादा बेहतर है, और क्योंकि इसका असर वही होगा ना, गले में आपको स्वर बैठ जाएगा, है ना। सो बेसिकली मैथ्स में एक चीज होती है, मैं रफली, मुझे आइडिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, उसी से थोड़ा बहुत ये प्रेरित चीज है, आप समझ सकते हैं। वैसे ये जो चीज है ये राग के विस्तार के लिए काम में आती है, और इसका अगर हम एक अलंकार बना लें, जैसे कि मेरे गुरुजी हैं पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत, उन्होंने मुझे इस चीज की तालीम दी है, ये चीज सिखाई है कि क्या होता है मेरखंड, और कैसे स्वरों को एक अलंकार फॉर्म में भी बांधकर उन्होंने मुझे ये अभ्यास दिया कि इसका अभ्यास अगर एक अलंकार के फॉर्म में करो तो आप फिर इसे राग में आगे विस्तार कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, बेसिकली क्या चीज होती है। अगर आपके पास कितने भी स्वर हैं, जैसे कि तीन स्वर हैं, है ना, जैसे अगर मैं आपको दो स्वर देता हूँ, सा और रे, तो इसके दो कॉम्बिनेशन कर सकते हो, सा रे और रे सा। अब अगर मैंने तीन दे दिए तो इस तीन के आप कितने बना सकते हो, जैसे कि सा रे ग एक, फिर रे ग सा, थोड़ा सा उसको उलट फेरा, फिर ग सा रे, है ना, ग रे सा ग सा ग रे, ऐसे करके आपने छह कॉम्बिनेशन बना दिए। ऐसे ही करते करते मेरखंड पे जो वीडियो मैंने दिया है, आप अगर उसको भी देख लें तो मेरे ख्याल से आप पहले मेरखंड को अच्छे से समझ लेंगे, फिर ये अलंकार आप सीखें। बिकॉज अगर मैं इसमें इस वीडियो में मेरखंड भी समझाऊं और ये अलंकार भी बताऊं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि इस प्रकार से हम अलग 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 उसके वेरिएशन बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार बना सकते हैं। तीन के छह बनाए जा रहे हैं जैसे कि, है ना, इसी प्रकार से चार के कितने बनते हैं, पांच के कितने बनते हैं, मगर उसमें हम उसका पूरा नहीं लेंगे कि अगर चार के, अगर मान लो अगर 24 बनते हैं या कितने भी बनते हैं, तो हम पूरा नहीं लेंगे, हम उतना ही लेंगे जितना हमारे अलंकार में काम आ रहा है, है ना। तो वो मैं आपको समझा दूंगा अभी कि जिसका आरोहात्मक और अवरोहात्मक बनकर उस स्वर पर खत्म हो रहा है जिससे कि हमारा अगला पैटर्न शुरू हो रहा है, ठीक है, उतना ही एसेंस हम ले रहे हैं उसमें। बाकी मेरे खंड में बहुत लंबे लंबे उसके वेरिएशन बन सकते हैं, चार के कितने बन सकते हैं या पांच के कितने बन सकते हैं, वो कैलकुलेशन पर डिपेंड है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको, और हारमोनियम पर आप बजाएंगे इसको। मैं अभी आपको हारमोनियम के लिए बता रहा हूँ ये कि हारमोनियम में इस अलंकार का अभ्यास अगर आप करते हैं तो, बाकी यही चीज आप गायन में भी कर सकते हैं, ठीक है, हर थाट में हर स्केल से निभा सकते हैं इसको, कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखें हम, सारे ग, फिर देखेंगे रे ग सा, फिर ग सारे, फिर ग रे सा ग सा ग रे। तो अब ये रे पे आया, अब रे से अगला बनेगा रे ग म, तो इसको लेके रे ग म, फिर ग म रे म रे ग, सामने आप इमेज चला लीजिए, रे ग म ग म रे म रे ग, है ना, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, वन टू थ्री, फिर टू थ्री वन, फिर थ्री वन टू, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर थ्री टू वन, टू वन थ्री, वन थ्री टू, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, फिर चार वाला होगा तो सा रे ग म सा, फिर ग म सारे, चार चार के कॉम्बिनेशन बनाना है अपने को, और यही चारों स्वर, म सारे ग, अगला म ग रे सा, ग रे सा म, रे सा म ग, सा म ग रे,
ये इतना ही लेंगे, वरना करने को तो इन चार के और भी बन सकते हैं, 24 बन रहे हैं, लेकिन हमने 8 ही लिए। क्यों? क्योंकि हमारा रेपर अलंकार खत्म हुआ है ना, हमने इसको पैटर्न में बांध दिया है। एक मेरखंड वैसे भी अपने आप में पैटर्न है विस्तार करने का, लेकिन हमने उसको अलंकार में बांधा है तो एक पैटर्न बना दिया उसका और ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ अब हारमोनियम की फ्रेम में कि कैसे आप इसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे था मैंने आपको बताया, सा रे ग, रे ग सा, ग सा रे, फिर अगला पैटर्न। अब वैसे तो ये रे पे आ गया है, लेकिन और भी इसका बन सकता है ना, तो ग रे सा ग सा ग रे। तो हमने सा ग रे में ये लगाया जब हमें सा दोबारा आना था, लेकिन सा ग रे उसका एंड था जिसमें हमें नहीं आना है, तो हमने पहली लगाई। अब यहाँ रे ग म जाओ, रे ग म ग म रे, है ना। अब ये उंगलियों का आपको कॉम्बिनेशन सेट करना है कि ग म रे कर दोगे तो रे पे अंगूठा लाना पड़ेगा, लेकिन ग म रे करोगे तो म पे दूसरी आएगी, ग म रे, है ना। रे ग म रे, म रे ग, म ग रे म, रे म ग। इसी प्रकार से बस आप पैटर्न बनाते जाइए और आगे बजाते जाइए, लेकिन रुकना नहीं है, एक फ्लो में होना चाहिए, लय नहीं टूटनी चाहिए। सा रे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा ग सा ग रे। ये जब आप तानपुरे पर करोगे सा रे, तो आपको अलग अलग स्वरों में कूदना आएगा, जंप आएगा। जब वो लैप करना आ जाता है, छोड़ना आ जाता है आपको, तो जब वो जंप आ जाता है तो स्वर पक्के हो जाते हैं अपने आप। जैसे दूसरे पेज का अलंकार है सा ग रे म ग प म ध, है ना, स्वरांगिनी जो हमारी संगीत की किताब है उसके दूसरे पेज का अलंकार है ये। तो इसमें सा म रे प ग ध म नी, अलग अलग छूट छूट के जा रहे हैं स्वर, तो पक्कापन आता है इसमें। ठीक है, तो ये तीसरा अलंकार आप समझ गए। ये मैं आप फिर चौथा भी एक बार बजा देता हूँ, फिर आपको पूरा पेज में एक साथ बजा दूंगा। ये चौथा सा रे ग म, ठीक है, फिर रे ग म सा ग म सा रे म सा रे ग, फिर रिटर्न आओ। ये ग पे एंड हुआ, लेकिन हमें रे पे एंड करना है, म ग रे सा ग रे सा म रे सा म ग रे, रे ग म प ग म प रे म प रे ग प रे ग म प म ग रे म ग रे प ग रे प म ग, है ना। इसी प्रकार से ये पूरा बन जाएगा। फिर अगर आओगे तो सा नी ध प नी ध प सा ध प सा नी प सा नी ध, है ना, प ध नी सा ध नी सा प नी सा प ध नी। इसी प्रकार से वही पैटर्न जा रहा है, जो अवरोह में भी यही जाएगा, एक दो तीन चार, दो तीन चार एक, तीन चार एक दो तीन, चार तीन दो एक, वही पैटर्न जा रहा है। हमेशा उस चीज को ध्यान रखें, आरोह हो या अवरोह हो। पांचवा जाएगा तो सा रे ग म प रे ग म प सा ग म प सा रे म प सा रे ग प सा रे ग म प म ग रे सा प ग रे सा प म रे सा प म ग सा प म ग रे। अब ये फ्लो में सा रे ग म प रे ग म प सा ग म प सा रे म प सा रे ग प सा रे ग म प म ग रे सा म ग रे सा प ग रे सा प म ग सा प म ग रे रे ग म प ध, है ना। वजन आपको ध्यान रखना है बजाते समय भी, है ना, कि एक 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 जो ब्रेक है गाते समय भी इसमें वजन का ही आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली हर घराने में गायकी में इस्तेमाल आता है, लेकिन भिंडी बाजार जो घराना है उसमें इसकी प्रबलता है, ज्यादा यूज आता है, तो उसमें बल का वैसे भी ज्यादा यूज होता है। बल की ताने हैं या बल के अलंकार हैं, तो बल की गायकी और मेरखंड है, तो मेरखंड में भी उस बल का प्रयोग आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने पांचवा समझ लिया, ऐसे ही छठा जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर उल्टा, ये एक हुआ। अब रे से दूसरा पेयर बनेगा, है ना, ऐसे ही सातवा, ये
एक हुआ फिर रे से जाएगा, ऐसे ही करके ये पूरा अलंकार हो जाएगा। जैसे हर थर्ड में कीजिएगा, जैसे भैरवी में हम अगर चौथा वाला बजाएं तो है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे दोनों वीडियोस की, जिसमें मेरे खंड पे और डिटेल में मैंने बताया। तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा, मेर खंड आपने समझा और कैसे बजाया जाता है वो आपने पता किया। तो स्क्रीन पे जो आपके लिखा आ रहा है वो आपका पहला जो आपको सिखाया गया था वो ही अलंकार है। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, तो क्लियर होगा आपको कि ये सारे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे, फिर रे से बनता है तो रे ग म ग म रे म रे ग म ग रे ग रे म रे म ग, फिर ग से बनता है ग म प म प ग प ग म प म ग म ग प ग प म। इसको हारमोनियम पर आप बजाइएगा। ये फिर म प ध से है, ध प म से है, फिर प ध नी है, नी ध प है, और ध नी सा है, और सा नी ध है। ये आरोह इसका पूरा हुआ। उसके बाद इसी का अवरोह बचता है जो आप देख सकते हैं, सा नी ध, जैसे हमारा ये लास्ट पेयरिंग है, इसी से अगला अवरोह यहाँ से शुरू हो जाता है, सानी ध नी ध सा ध सानी, है ना। आपके सामने पूरा लिखा हुआ आ रहा है, आराम से पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अलंकार है, है ना। ये प म ग रे सा, ये लास्ट पेयर इसका ग रे सा का बन गया, ग सारे। ये चौथा है सा रे ग म, रे ग म सा ग म सारे। अब इसमें आप देख सकते हैं जो जो बोल्ड हैं, सा रे ग म म ग रे सा रे ग म प ग म प ध, है ना, ऐसे ही जा रहा है ये म प ध नी और प ध नी सा, वैसे ही पेयरिंग करते करते हम गए हैं। उसके आप आगे नीचे देख सकते हैं, ये इसका उल्टा है, सा नी ध प प ध नी सा, ऐसे ही करते करते जाएंगे। तो ये चौथा वाला बन रहा है, ये प म ग रे और म ग रे सा, ये आखिरी बन गया। ये फिर आता है पांचवा अलंकार, देख सकते हैं आप, सारे ग म प रे ग म प सा ग म प सा रे, वही मेरे खंड के अंदाज में जाते जा रहा है। ये लास्ट आप देख सकते हैं, म प ध नी सा का बन गया है। उसके बाद ये इसका अवरोह है, सा नी ध प म से शुरू हुआ है, नीचे जाते जाइए तो ये प म ग रे सा पे ये एंड हुआ है। तो ये पूरा इसका अवरोह आप देख सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है छठा अलंकार, सारे ग म प ध का जो हमने पेयरिंग करी, सारे ग म प ध रे ग म प ध सा ग म प ध सारे। ये देखिए आप, सा रे ग म प ध और रे ग म प ध नी और ग म प ध नी सा, जो इनिशियल अलंकार होते हैं उन्हीं से बनाया गया है ये। फिर इसी का अवरोह ये है आपके सामने, सा नी द प म ग, ऐसे ही करके लास्ट आया ये ध प म ग रे सा, है ना। ये इसका अवरोह बन गया। फिर ये आखिरी जो है सातवां अलंकार जो बन रहा है, सा रे ग म प ध नी, है ना, नी ध प म ग रे सा, रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे। फिर ये इसका अवरोह है ना, ये पूरा अलंकार कंप्लीट हुआ, सा नी ध प म ग रे नी ध प म ग रे सा। तो इसी प्रकार से आप इन सारे अलंकारों को नोट कर सकते हैं, और फोटो आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट इनका नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसी तरह इन सबको हारमोनियम पर भी बजाएं और तानपुरे पर भी बजाएं, और मेर खंड की फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखते रहें संगीत प्रवाह वर्ल्ड को, एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब द चैनल।